हाय फ्रेंड, ये देखिए, ये मैं आपको ये रेलवे में, क्योंकि रेलवे की जो ये मशीन हो जो है इसमें जो है इंजन जो है टा हुआ रहता है, और ये NTA 855 बिग कैम मॉडल है, और ये अधिकतर रेलवे में इस समय यूज किया जा रहा है। तो इसमें देखिए एक ये नए टाइप की प्रॉब्लम, तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ, तो और आपको ये बताना है कि इसमें ये प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हो रहा है या कहाँ से ये क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसमें आयल ट्यूब जो होता है ये हेड के अंदर ही रहता है, इसीलिए जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए राकर हाउसिंग जो हमारा टाइट है उसी के नियर अबाउट से जो है ये कंटिन्यूस जो है लुबाइल का स्प्रे होता रहता है। तो अभी आपको ये क्लियर करना है कि इसका बोल्ट लूज है या हमारा जो राकर हाउसिंग का जो शाफ्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है ये लीकेज स्टार्ट, और ये कंटिन्यूस इतने स्पीड से आ रहा है कि इसीलिए जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको ये टेंशन है कि उनको ये खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल जो है प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसी वजह से वो टेक्नीशियन सोच रहा है कि अब मतलब फील्ड में भी ये राय ये प्रॉब्लम जो है शो किया जाए, ताकि उससे ये पता लगे कि हर किसी की राय क्या है कि मतलब इसमें कैप स्क्रू इसका लूज है या जो हमारा जो पुसराट जहाँ पर बैठता है उसमें ओरिंग लगती है वहाँ से लीकेज है, या कैम जहाँ लगता है उसमें जो बुश होता है हाउसिंग में वहाँ से लीकेज है। तो इसीलिए जो है ये वीडियो जो है लाइव वीडियो डाला जा रहा है, ताकि आप लोगों की राय भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसीलिए हमने ये वीडियो इसको ऑनलाइन डाल दिया है, ताकि आप लोगों की भी राय इसमें बहुत ही ज़रूरी है, जिससे ये क्लियर हो जाए कि भाई किसकी राय जो है इस प्रॉब्लम से मैच करेगा और ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा। इसी तरह जो है हमने एक पहले भी वीडियो डाला था, उसमें भी आप लोगों की राय हमने मांगा था, और वो राय जो है आप ही लोगों की राय की वजह से, मशविरा की वजह से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, और हो सके तो अपने फ्रेंडों दोस्तों और टेक्नीशियन को भी ये शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में